को लेकर नई जंग शुरू हो गई है। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर हंगामा बरप रहा है। मदनी ने कहा कि ओम और अल्लाह एक है। मानस के बाद सनातन पर सवाल, मदनी के बयान पर महाबवाल, शुरू हुई सबसे पहले की लड़ाई, बात अब धर्म पर आई। मानस के बाद अब सनातन को लेकर नई जंग शुरू हो गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बवाल हो गया। मदनी ने ओम को ही अल्लाह करार दे दिया कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है, उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। मदनी ने कहा कि सबसे पहले इस्लाम था, आदम को दुनिया में उतारने के लिए भारत की धरती को चुना गया। अल्लाह ने यानी ओम ने अपने हाथ से आदम यानी मनु के पुतले को बनाया। इसका मतलब है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहाँ से पैदा हुई है। मदनी के बयान का जैन मुनि लोकेश ने जमकर विरोध किया। कहा अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है, ऐसे में इस तरह का बयान कहाँ तक जायज है? किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे चार गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। जैन मुनि कार्यक्रम से उठकर चले गए। उनके बाद दूसरे धर्मों के संतों ने भी कार्यक्रम को छोड़ दिया। मदनी के बयान पर चक्रपाणी महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जो मनु जी महाराज को जो सजदा करेगा तो सनातनी की श्रेणी में आएगा, हिंदू सनातनी होगा। तो इसलिए हम लोग तो भाई भाई थे, मुगल विदेश से आए, मंदिर को तोड़ा और आपको टोपी और दाढ़ी रखवा दिया। बहरहाल रामचरितमानस के बाद सनातन पर सवाल एक नई बहस को जन्म दे रहा है, जो आने वाले समय में सियासी गलियारों में भी हलचल पैदा करेगी। टीम न्यूज स्टेट। तो मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जैन मुनि को मंच छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। नहीं नहीं, कोई धर्मों के लोग नहीं, सिर्फ जो जैन के मजहब के मानने वाले थे, क्योंकि वो अल्लाह को या भगवान को नहीं मानते, इसलिए उन्होंने उसको कहा कि हम इसको नहीं मानते। उन्होंने अपनी तकरीर में ये बात कही, तो भी उन्हें बैठ करके सुनना चाहिए था। लेकिन अगर वो चले गए, हमें इसका अफसोस हुआ कि हमारी जबान से कोई ऐसी बात निकली कि जो उनके लिए तकलीफ का बाइस हुई। लेकिन हमारा मजहब तो यही है कि हम तो अल्लाह को मानते हैं। तो मौलाना मदनी के बयान पर हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने कहा कि मदनी की भाषा ठीक नहीं है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष असद मौलाना मदनी एक धर्म सम्मेलन कराया था दिल्ली में, और दिल्ली में जो उनकी भाव उनकी भाषा थी कि पहले आदम आए, सनातन के भी मानने वाले आदम से ही उत्पत्ति हुई है। मैं मौलाना मदनी से सवाल पूछता हूँ, ओम और अल्लाह एक है, ठीक है, सारे ईश्वर एक हैं, अनेक व्यवस्था बनी है, हम उस अनेक व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस्लाम की जो कट्टरता है, मौलाना मदनी के पूर्वज बुजदिल थे और तलवार के नोक पर सलवार पहनने वाले लोग हैं। इस्लाम में सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती है और हमको काफिर कहा गया है। इस्लाम में आप देखो, इस्लाम के मानने वाले की जहां संख्या बढ़ती है, वहां पर किसी कौम, किसी मजहब, किसी संप्रदाय का व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो वही एसपी सांसद एसटी हसन ने मदनी के बयान पर कहा कि पूरी दुनिया को बनाने वाला एक है, और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको।
कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर ऐसी है जो जिसने तमाम दुनिया तमाम कायनात को बनाया है और सब कुछ उसके हाथ में है और वो सब कुछ चला रहा है। मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं, हिंदू उसे ईश्वर कहते हैं, सिख वाहेगुरु कहते हैं, क्रिश्चियन गॉड कहते हैं। तो ये पावर एक ही है, ये अल्लाह ईश्वर हुआ, ये सबका पैदा करने वाला है और ये सबका पालनहार है, ये दुनिया को चलाने वाला है। मंदे के बयान पर संग्राम जो है